कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में बुधवार को पैडलेगंज स्थित क्रिश्चियन सेमेट्री में ऑल सोल्स डे सभी मृत विश्वासियों के दिन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विश्वासियों ने आस्था व श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को याद किया। बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी सपरिवार कब्रिस्तान पहुंचे और कब्रिस्तान की सफाई कर फूल माला अगरबत्ती जलाकर अपने पूर्वजों के कब्रों को सजाया और आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना किया। सुबह से ही कब्रिस्तान में विश्वासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोपहर बाद तक कब्रिस्तान के कब्र सजा दिए गए। हर कब्र पर मोमबत्तियां जल रही थी, फूल रखे गए थे और विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे, जिसके संबंध में फादर बेनी ने कहा कि ईसाई विश्वास के अनुसार 2 नवंबर को ईसाई परिवार के जो लोग दफनाए गए हैं उनकी प्रार्थना किया जाता है और उनको याद करते हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों को याद करना और प्रार्थना करना और उनके द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगना हमारा कर्तव्य है। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास है। इस अवसर पर याजक परम श्रद्धेय बिशप थॉमस थिरुमट्टम व सह याजक CST फादर शाबू, धर्मप्रांत चांसलर फादर अब्राहम, फादर लिबिन सेंट जोसेफ कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर बीनी विविध पल्ली मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर बीनी ने कहा, बस जाएंगे, इतना ही नहीं अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेला रखकर आनंदित हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा मैं प्यासा था, आ तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं पर जाया मैं बीमार बंदी था, आ तुम मुझसे नहीं मिलने आए। परदेशी नंगा बीमार या बंदी देखा। आज इस कब्रिस्तान में हम अपनी परिजनों की आत्मा की मुक्ति मिलने के लिए, अपनी परिजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। शायद इस वक्त अपने परिजनों के कब्र के सामने रहने के समय आप दुखी हो। कुछ लोग अपने पापा के कब्र के सामने, कुछ लोग अपनी मम्मी की कब्र के सामने, कुछ पधिया कुछ पधी लोग अपने पत्नी के कब्र के सामने, कुछ पत्नी लोग अपने पति के कब्र के सामने, कुछ भाई अपनी बहन के और बहन लोग अपने भाई के कब्र के सामने।
कुछ माता पिताएं अपने बच्चों की कब्र के सामने, पर मुझे पता है कि इस वक्त आप दुखी हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है आप निराश नहीं। हम सब दुखी हैं, लेकिन हम निराश नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास। मृत्यु के पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन के लिए योग्य बन जाएगा। सवाल नहीं था आपने, आपकी आखिरी पॉलिसी का संस्कार सब किया। फादर बेनी, ईसाई विश्वास के अनुसार हम लोग 2 नवंबर को अपने सारे अपने क्रिश्चियन विश्वास के जितने भी भाई बहन हैं और अपने परिवारों से जितने प्रियजन मर कर दफनाए गए हैं उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए इस दिन कब्रिस्तानों में एकत्रित होकर वहां पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कितनी संख्या में लोग आते हैं? यहाँ पर करीब 500 से 600 के संख्या में और भी लोग होंगे, करीब 1000 के आसपास भी हो सकते हैं लोग आकर के इसी दिन प्रार्थना करते हैं। कितने देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम 2 घंटे तक चलेगा।